ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या पान थूकने की जगह दिख रही है आपको? और कौन है आप लोग? तू स्वीटी बाई को नहीं जानती? दिल्ली के बड़े बड़े मिनिस्टरों को अपनी उंगली पे नचाया है स्वीटी ने, और आज तो मेरी इस घर में बुकिंग है। देखिए, यहाँ पर कोई डांस प्रोग्राम नहीं है, मैंने तो भजन गाने के लिए बुलाया था। भजन? स्वीटी की अदा अगर बत्ती सुलगाना नहीं, दिल जलाना है मेरी जान। ओ गॉड, ये किसका नंबर दी थी कश्मीरा ने मुझे? लगता है उसे गलती हो गई होगी। देखिए, ये तो धारी देवी मंदिर के महंत का घर है। आई एम सॉरी बट आपको शायद गलतफहमी हो गई है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ए लड़की, आज ना बहुत बड़ी बुकिंग कैंसिल करके आई हूँ, तो बिना पैसे लिए तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ओके, मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, लेकिन आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। एक मिनट मेरी जान, मंदिर के महंत यानी कि सोने चांदी के तोहफे मिलते होंगे यहाँ पे, तो फिर मैं कैसे प्रसाद लिए बिना चली जाऊँ? अब तो दुगने पैसे लगेंगे। डबल पैसे किस बात के? भजन गायिका नहीं आई अभी तक, मेहमान सारे आने शुरू हो गए हैं। ये नीलकंठ की बारी कहाँ रह गए? बाहर देख के आता हूँ। अब मजा आएगा। देखिए, आप इस तरह हमारा फायदा नहीं उठा सकती, आप प्लीज दुगना मुआवजा ले और चले जाइए यहाँ से प्लीज। मुआवजा? बातें तो मुसलमान वाली कर रही है तू। कहीं तू डॉक्टर बेग की बेटी तो नहीं? अरे हाँ, उनके हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी और मैंने तेरी फोटो भी देखी थी वहां पे, तभी मैं सोचूं कि बिल्कुल देखे देखे कैसी लग रही है तू। क्या पंडित जी को पता है कि उनकी बहू मुसलमान है? आप प्लीज अपने काम से मतलब रखें, मेरे घर के मसलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपको। अरे ऐसे कैसे नहीं मेरी जान, अब तो इस चीज के दुगने पैसे लगेंगे, वरना मैं तो चली पंडित जी को बताने कि उनकी बहू मुसलमान है। देखिए देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप क्या लेंगी यहाँ से जाने का? ये हार। अब तो ये हार जब मेरे गले में आएगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मेरे घर का पुश्तैनी हार है, मेरे बाबा ने बहुत ही प्यार से मुझे दिया है। बाबा यानी ससुर? अब तो मेरे बू से पूरे गांव को पता चलेगा और तेरे बाबा की बदनामी होगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नीलकंठ की बुआरी, कौन है ये महिला?